ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। देखिए, आज का जो ये वीडियो है बहुत अधिक खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी सावन के अधिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसीलिए आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन की मनोकामना की पूर्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए, विशेषकर शुक्रवार का दिन धन की प्राप्ति यानी कि महालक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए आपको भक्ति का यह अचूक उपाय भी करना है। इसीलिए आपको मात्र 11 चावल के दाने से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले दो महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, यह जो दोनों उपाय हैं, आपकी सारी समस्याओं और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत अधिक आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत अधिक आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, यानी कि धन की समस्या आपके जीवन में कभी भी आ जाती है, अचानक से आपके जीवन में कर्ज की समस्या उत्पन्न होने लगती है, बार बार आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ने लगती है, तो आपको सावन के इस शुक्रवार पर यह उपाय जरूर देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले मात्र आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है, बेलपत्र भी आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेनी है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सब सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं, उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। चावल के दाने को आपको जल के पात्र के अंदर डालते समय नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है, उसे आपको अपने हाथ की हथेली पर रखना है। चिकना वाला जो बेलपत्र का भाग है वो आपकी हथेली के ऊपर की ओर रहेगा, खुरदुरा वाला भाग आपकी हथेली से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको रखना है अपनी तरफ। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, सामने आपको दिखाया जा रहा है, उसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अपनी हथेली पर रखना है। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आपके पास जो आपने चावल से युक्त जल तैयार किया है, उस जल के पात्र को भी आपको उस बेल के ऊपर रख लेना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक तांबे का पात्र है, उससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। देखिए, जल को समर्पित करते हुए आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है और जल समर्पित करते हुए आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, चावल से युक्त यह जो जल है, जैसे शिवलिंग से स्पर्श, तो इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और शुक्र ग्रह यदि मजबूत अवस्था में होने लगता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, जल के पात्र के अंदर यदि चावल के दाने रह जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उन्हें आपको अपने हाथ से निकाल करके और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद उस पात्र को आपको एक साइड रख देना है और आपके पास जो अपनी हथेली में एक बेलपत्र है, आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी मनोकामना है, उसे आपको मन में स्मरण करते रहना है। और यह जो बेलपत्र है, आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है,
तो उसी स्थान पर आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, 2 मिनट तक आपको शिवलिंग के सामने बैठ करके आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आपको बोल देना है और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा और चमत्कारी उपाय कर लेना है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 हरी इलायची लेना है। इलायची को लेते समय आपको ध्यान है कि दोनों ही इलायची कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीजें हम महादेव के समक्ष कभी भी अर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। इसी के साथ आपको 1 लोटे के अंदर जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और यह जो जल है विशेष कर आपको अपने घर से ही लेना है। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास 2 हरी इलायची है, उनमें से आपको जो पहली हरी इलायची है, उस पहली हरी इलायची पर आपको शहद लगा देना है, यानी कि उस इलायची को आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है। अब शहद से युक्त यह जो पहली हरी इलायची है, आपको शिवलिंग पर जहां भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको यह पहली हरी इलायची समर्पित कर देना है। देखिए, भगवान गणेश का स्थान शिव के सीधे तरफ होता है, तो उसी स्थान पर आपको यह पहली शहद से युक्त इलायची समर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो शहद है उससे आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। देखिए, ओम का निर्माण आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा जल है उससे आपको थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी स्थान पर समर्पित कर देना है। आपने जो पहली हरी इलायची शिवलिंग पर समर्पित की थी गणेश जी वाले स्थान पर, उसी स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। अब उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचेगा तो उसमें आपको आपके पास जो दूसरी इलायची है उसे डाल देना है और यह जो जल है आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भीम, इस मंत्र का कुल 11 बार जाप कर सके। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सावन के इस अधिक मास के शुक्रवार पर आपको यह सुंदर सा उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई धन से संबंधित कोई बड़ी परेशानी चल रही है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, या फिर आपकी नौकरी में आपको धन प्राप्ति सही से नहीं हो पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको दोनों उपायों में से जो भी उपाय उचित और सरल लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।